नमस्ते एवरीवन गाइस। सो आज हम फिर से मौजूद है आप लोगों के सामने डे फोर। डे फोर में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्लीशन ऑफ वर्क। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? एक्शन सीखा है रेगुलर हैबिट्स इन पास्ट, और अपकमिंग एक्शन सीखा है, कंपल्शन सीखा और कंटिन्यूटी सीखा है। जो आज हम सीखने वाले हैं कंप्लीशन ऑफ वर्क सीखने वाले हैं। कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पिछली बार हमने जो सीखा था वो था कंटिन्यूटी, काम चल रहा था लेकिन अब काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो हिंदी में हम चार तरह के सेंटेंस ही यूज करते हैं कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए। इससे ज्यादा तरह के सेंटेंस हम नहीं यूज करते हैं हिंदी में कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए, काम खत्म करने के लिए। कैसे चार तरह के सेंटेंस होते हैं? या तो मैं काम कर चुका हूं, या मैं काम कर चुका था, या शायद मैं काम कर चुका होगा। इस तरह के चार तरह के सेंटेंस हम यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम पहले टाइप का कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं हिंदी में। तो पहली तरह का जो सेंटेंस होता है वो होता है चुका है या चुकी है, चुके हैं। अब एग्जाम्पल से इन तीनों को समझते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, फिनिश कर दिया उसने क्रिकेट खेलना। जब ऐसा सेंटेंस आता है हिंदी में चुका हूं से एंड हो रहा है सेंटेंस, तो आपको सीधा सीधा हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। अब आप पूछेंगे कि हैज और हैव कब लगाना है? तो हैज कब लगाना है? जब आप दूसरे इंसान के बारे में बात करेंगे, किसी दूसरे इंसान के बारे में, कि रमेश क्रिकेट खेल चुका है। अगर रमेश क्रिकेट खेल चुका है बोलना है आपको, किसी दूसरे इंसान के बारे में बोलना है आपको, तो आपको हैज लगाना है। अगर आप खुद के बारे में बोल रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो आपको हैव लगाना है। आई हैव प्लेड क्रिकेट। प्लेड क्यों लगाया? क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाना है साथ में आपको। सीधा सा लॉजिक है। जब आप किसी दूसरे इंसान के बारे में बात करेंगे हैज लगाना है, खुद के बारे में बात करेंगे तो हैव लगाना है, और दोनों में आईएनजी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जरूर लगाना है आपको। ठीक है गाइस? और सेंटेंस किससे एंड होना चाहिए? चुका है, चुकी है और चुके है से। तो इस तरह से ये फर्स्ट वाला खत्म होता है। अब हम सेकंड देखेंगे कंप्लीशन ऑफ वर्क में हम सेकंड किस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। गाइस, तो अब हम लोग देखते हैं कंप्लीशन ऑफ वर्ब का सेकंड सेंटेंस। जो पहला सेंटेंस हमने देखा उसमें सेंटेंस किससे एंड हो रहा था? चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। ठीक है, अब जो एंड हो रहा है वो चुका था, चुकी थी और चुके थे। चुका था लड़के के लिए, चुकी थी लड़की के लिए, चुके थे बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, जब इस तरह से सेंटेंस एंड होगा तो सीधा सीधा आपको हैव लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और उसमें। उसमें हैव टू था, हैव हैज और हैव था और थर्ड फॉर्म था। इसमें हैड है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। हैड लगाया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया। मैं इंग्लिश सीख चुका था, आई हैड लर्न्ड इंग्लिश। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं बहुत सारे। आप प्रैक्टिस करिए बहुत ज्यादा से ज्यादा इन एग्जांपल्स की, आप इजीली इसको समझ पाएंगे। हिंदी में जिस तरह से सेंटेंस एंड हो रहा है उसी से आपको इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इतना ही करना। अब देखते हैं थर्ड वाला कंप्लीशन ऑफ वर्क क्या कहता है। गाइस, अब हम लोग देखने वाले कंप्लीशन ऑफ वर्क का थर्ड टाइप का सेंटेंस। जो थर्ड टाइप का सेंटेंस होता है वो किससे एंड होता है? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। मैं शायद वो काम कर चुका होगा, शायद मैं इंग्लिश सीख चुका होगा। इस तरह के जो सेंटेंस एंड होते हैं, चुका होगा लड़के के लिए, चुकी होगी लड़की के लिए और चुके होंगे बहुत सारे लोगों के लिए, तो आपको क्या लगाना है? विल हैव लगाना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। एक एग्जांपल है यहाँ पर, मैं क्रिकेट खेल चुका होगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। क्या लगाया? आई विल, आई लगाया, मैं के लिए आई लगाया, क्रिकेट खेल चुका होगा, चुका होगा से एंड हो रहा है, विल हैव लगाया और थर्ड फॉर्म प्लेड लगाया, क्रिकेट लगाया। इसी तरह से और भी सेंटेंस लेते हैं। मैं शायद खाना खा चुका होगा, आई विल हैव ईटन। ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, आई विल हैव ईटन फूड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं बाजार जा चुका होगा, आई विल हैव वेंट बाजार। सो वेंट क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। विल हैव क्या है? जो चुका है से एंड हो रहा था हमें क्या लगाना है? विल हैव लगाना है। तो इस तरह से कंप्लीशन ऑफ वर्क का कंप्लीशन ऑफ वर्क का तीसरा टाइप खत्म होता है। अब हम चौथा टाइप, चार तरह के कंप्लीशन ऑफ वर्क होते हैं, तो लास्ट वाला जो है वो देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले कंप्लीशन ऑफ वर्क का थर्ड फॉर्म, चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस जो होता है, चौथा टाइप का जो सेंटेंस होता है वो किससे एंड होता है? हम उसमें शायद लगा देते हैं। शायद मैं काम कर चुका होगा, हमें पक्का नहीं होता है, हम शायद बोल देते कई बार कि शायद मैं काम कर चुका होगा, शायद वो काम कर चुकी होगी या शायद काम कर चुके होंगे, मेरे वर्कर जो मेरी फैक्ट्री में है वो शायद काम कर चुके होंगे। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं शायद चुका होंगे से एंड हो रहे होंगे, तो उनके लिए आपको माइंड लगाना है, हैव लगाना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है।
तो एक सेंटेंस यहाँ पर एग्जांपल है, वही पुराना वाला एग्जांपल क्रिकेट का। मैं एक ही एग्जांपल लेकर इसलिए चल रहा हूं कि आपको इजीली आसानी से समझ में आए। मैं शायद क्रिकेट खेल चुका होगा, आई माइट हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है गाइस, तो माइट हैव लगाया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, माइट हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या, प्लेड क्रिकेट। इस तरह से आपको फॉर्म करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि शायद चुका होगा से एंड हो रहा है, तो आपको माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से कंप्लीशन ऑफ वर्ब वर्ब के चार तरह के सेंटेंस खत्म होते हैं। इन चार तरह के ज्यादा से सेंटेंस हम नहीं यूज करते, ना इंग्लिश में और ना हिंदी में। तो आज का वीडियो इसी के साथ खत्म होता है, हम कल फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम एबिलिटी की बात करेंगे, हमारी काबिलियत के बारे में बात करेंगे। होप सो आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे हमारे ये इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का, जो हम प्रयास कर रहे हैं आपको इंग्लिश सिखाने का। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। सो गाइज प्लीज कीप सपोर्टिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, नमस्ते।